They say that the winds and waves are always on the side of their blessed navigator. They say that the journey of thousands of miles starts with a single step. And they say that move mountains are die trying them. This is my philosophy of life. जब मैंने सी एस एस की तैयारी शुरू कर ली तो मैंने ये तहिया कर लिया कि इस पूरी तैयारी में कितने भी मसाइल हों, वो फाइनेंशियल मसाइल हों, वो मोटिवेशनल मसाइल हों, वो अपनी ज़ात के ऊपर इवन यकीन उठ जाने के मसाइल हों, उनको साइड पे रखकर मैंने अपने मकसद को हमेशा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट समझना है। कितनी भी मुश्किल हो उस वक्त ये फैसला करना इम्पॉर्टेंट है कि देर आर टाइम्स when history makes us and there are times when we make history. तो तैयारी के दौरान ये कभी ऐसी मोमेंट्स आती ही थी कि जब दिल गिव अप करने का कर लेता था कि जिना लाइब्रेरी से उठ के लगता था कि भाई बस सब बहुत हो गई है, लेकिन जिस लम्हे ये सोच आती है यकीन कीजिए वो लम्हा ही आपके लिए मेक और ब्रेक वाला जो लम्हा होता है। अब उन तमाम तर लम्हों को पास करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मेरी एलोकेशन हुई है, पाकिस्तान में 26 और सिंध में 3rd पोजीशन हासिल किए। मैं बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ ARP टॉक का कि जो इतना बड़ा पब्लिक सर्विस का एक मंबा लेके चल रहे हैं जिनको जिसका बुनियादी मकसद ये कि वो तमाम तर कैंडिडेट्स जो कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से बहुत बहुत बड़े सीनियर मेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते, ये वीडियोस उन तक पहुंचें और वो जो है अपने ज़िंदगी का जो मकसद है उसे आर्टिकुलेट करने में कामयाब हो जाएं। मेरी दुआ है कि ARP टॉक और मज़ीद तरक्की करे और इस तरह के जो लोग हैं इस फोल्ड में शामिल हों ताकि हम सब की इज्तमाही उसमें बेहतरी और कामयाबी। और मैं बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राशिद अली का जो कि ARP टॉक को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि किस तरीके से उन तमाम तरह एस्पायरेंट्स को रीच आउट किया जाए जो कि ये समझते हैं कि बड़ी अकेडमी से उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, बहुत सीनियर मेंटर्स तक जाना उनके लिए उनकी सोच में भी ये बात नहीं आ सकती, और ये जो लोग ये समझते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही ज़िंदगी की असल मीरास है।